अस्सलाम वालेकुम, मैं हुरम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, जो है स्किन वाइटनिंग पर, जो कि आप फेस के साथ साथ अपने हाथों पैरों फुल बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यार स्किन वाइटनिंग पर वीडियो क्यों बना रही हो, रेसिज्म दिखा रही हो वगैरह वगैरह। तो देखें जी, स्किन वाइटनिंग या स्किन लाइटनिंग का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि काले को गोरा होना, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आपका जिस तरह का कॉम्प्लेक्शन है, चाहे वो सांवला है, गोरा है, काला है, पहली बात तो ये है कि उसमें खुश रहना सीखें, क्योंकि जब आप उसमें खुश रहना सीखेंगे तभी आप में आएगा जी सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में तब आता है जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने फ्लॉज के साथ। मेरी अगर आप माने तो मैं कहती हूं कि स्किन वाइटनिंग के बजाय आपका मेन हदफ होना चाहिए कि आप किस तरह से अपनी स्किन को फ्लॉलेस करते हैं, एक्नी पिंपल्स वगैरह से पाक करते हैं, डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन वगैरह से पाक करते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम ये बात नहीं करेंगे कि आपका कलर अगर डार्क है तो वो कैसे व्हाइट होगा। स्किन वाइटनिंग के ऊपर जब भी मैंने वीडियो बनाई है, मैं उसमें आपको ये कहती हूँ कि ये असल में आपके अगर स्किन किसी वजह से आपका कलर खराब हो चुका है, जैसे धूप में रहने की वजह से, सनस्क्रीन ना लगाने की वजह से, किसी हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से, किसी मेडिसिन की वजह से, किसी बीमारी की वजह से अगर आपका कलर खराब हो चुका है, इसी तरह से अगर आपको एक्ने के बाद डार्क स्पॉट्स वगैरह आ गए हैं, या फिर आपको पिगमेंटेशन मेलास्मा का प्रॉब्लम हो गया है उसकी वजह से आपकी स्किन पर डार्क पैचेस आ गए हैं, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से डार्क पैचेस आ गए हैं, तो ये वीडियो उसके लिए है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं आपको पता चल जाए और आप जल्दी से देख लें। और 1 मिलियन मेरा अभी तक का टारगेट है, तो 1 मिलियन पूरा होने में हेल्प कर दो जी। उसके अलावा अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये आपको आईडी नजर आ रहा होगा, वहां पर भी आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उनका मैं जवाब देती हूँ। तो चले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपने अपना पैच टेस्ट जरूर करना है। पैच टेस्ट कैसे करेंगे, स्किन के यहाँ पर साइड पर थोड़ा सा लगा के आप 5 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद वॉश करें और फिर 5 मिनट चेक करें। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता तो इसका मतलब है कि आप इसको बाकी फेस पर भी लगा सकते हैं। तो जी, स्किन वाइटनिंग के लिए जो हम आज चीज बनाएंगे वो उसको आप या तो फेस वॉश कह लें, लेकिन मैं ज्यादा उसको क्लेंजर कहूंगी, स्किन वाइटनिंग क्लेंजर, क्योंकि वो आप फेस वॉश तो आपको पता है जरा लिक्विड होता है, तो ये इतना लिक्विड नहीं है। तो इसमें जो चीजें यूज होगी उसमें सबसे पहली चीज, जो भी आप घर में साबुन इस्तेमाल करते हैं, आई एम श्योर के लड़कियां स्पेशली खास तौर पे अपने स्पेशली और खास तौर पे सेम है, तो आई एम श्योर कि लड़कियां अपनी स्किन के हिसाब से जरूर कोई ना कोई फेस वॉश या फिर कोई ना कोई सोप यूज करती ही करती हैं। तो जो भी आप साबुन यूज करते हैं, जैसे कि यहां पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखे, ये मैंने यहां पर डिटोल साबुन लिया क्योंकि हमारे घर में हर कोई इसको यूज करता है। तो जो एंड पर साबुन पहुंच जाता है ना, तो उसके जो चुन्नी चुन्नी से टुकड़े होते हैं ये वो है, ठीक है। तो आपने जो भी लेफ्ट ओवर साबुन होगा आपका वो लेना है और उसके बाद आपने उसको कर लेना है जी कद्दूकश। कद्दूकश आपने इसलिए करना है क्योंकि हमने इससे बनाना है एक बहुत जबरदस्त किस्म का क्लेंजर। तो क्लेंजर के लिए जितना ज्यादा हम इसको बारीक कद्दूकश करेंगे उतना ही आसानी से ये हमारे बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स हो जाएगा और उसके अलावा उतनी ही आसानी से ये मेल्ट हो जाएगा। तो कद्दूकश आपने कर लिया है यहाँ पर, और कद्दूकश आपने बहुत ज्यादा सोप को नहीं करना। मैं आपको यहाँ पर जो बताऊंगी ये इतना होगा कि एक दफा आप इस्तेमाल कर लें। एक दफा इस्तेमाल करने के बाद आपको अगर सूट करता है, अच्छा लगता है, आई एम श्योर अच्छा लगेगा, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मजीद क्वांटिटी भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आप नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारा मकसद ये कि एक हफ्ते का बैच हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखें ये 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने यहाँ पर साबुन कद्दूकश कर लिया है और अब इसमें जाएगा नीम गरम बॉइलिंग वाटर जो होगा 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून हमने इसलिए इसमें नीम गरम पानी डाला है क्योंकि अगर हम रेगुलर पानी डालते तो सोप को मेल्ट होने में जरा टाइम लगना था। तो अब हम लोगों ने इन चीजों को इतनी देर तक मिक्स करना है कि सोप अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, नरम होके, और एक क्रीमी सा पेस्ट हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पर देखिए ये कितना जबरदस्त सा हमारे पास मिक्सचर रेडी हो गया है और अब इसमें जाएगी नेक्स्ट चीज जो है जी कॉर्नफ्लोर। 1 टेबलस्पून आप कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मकई का आटा हम यूज कर सकते हैं, नहीं, कॉर्नफ्लोर और मकई का आटा, ठीक है, कॉर्नफ्लोर को उर्दू में करो तो मकई का आटा ही बनता है, लेकिन इसके लिए आपने डालना है जी कॉर्नफ्लोर। ये आप देखिए कि ये बिल्कुल बारीक छना हुआ बिल्कुल पाउडर की फॉर्म का होता है, जबकि मकई का आटा जो होता है वो थोड़ा थिक होता है। तो कॉर्नफ्लोर बहुत सस्ते दामों में आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा।
तो आपने कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करना है। कॉर्नफ्लोर के ये फायदे हैं कि ये जिनको पिगमेंटेशन मेलाज्मा वगैरह की वजह से डार्कनेस हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन आ जाता है एक्ने के बाद, जो आपको दाग धब्बे रह जाते हैं, तो उसको कम करने में आपकी मदद करता है। इसी तरह से आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करता है। इसमें अब हमने डाल लेना है जी 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं या फिर आप डाल सकते हैं आलमंड ऑयल। मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल यूज किया है और अब आपने इसको भी मिक्स कर लेना है। हर स्टेप के बाद आपने चीजों को मिक्स किया जाना है ताकि लम्ब्स वगैरह ना बने और बहुत जबरदस्त आपके पास पेस्ट आ जाए। ऑलिव ऑयल हमने क्यों डाला है या कोई भी ऑयल हमने क्यों डाला है, ताकि सोप हमने डाला है, सोप थोड़ा सा ड्राइंग हो जाता है, कॉर्नफ्लोर डाला है, कॉर्नफ्लोर भी थोड़ा सा ड्राइंग हो जाता है, तो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज, स्मूथ और सॉफ्ट रखने के ये काम आता है। तो यहाँ पर रेडी हो गया है जी हमारा पेस्ट और अब इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जाएगा जी राइस फ्लोर। राइस फ्लोर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून। राइस फ्लोर आपने देखा होगा कि जापानीज और कोरियन स्किन केयर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इसकी वजह से ना सिर्फ ये कि आपकी स्किन बहुत चमकीली चमकीली ब्राइटर नजर आती है, बल्कि आपकी स्किन पर जो दाग धब्बे हैं, आपकी स्किन जो कलर खराब हो चुका है, टैनिंग का प्रॉब्लम हो चुका है, पिगमेंटेशन वगैरह का प्रॉब्लम हो चुका है, वो भी ठीक होता है। स्किन आपकी लाइटन होने के साथ साथ आपकी स्किन सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, और उसके अलावा ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत हेल्दी और ग्लोइंग नजर आती है। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे जी 5 टेबलस्पून कच्चा दूध। कच्चा दूध के साथ ही मैं, आप देखें कि मलाई भी है, मैंने मलाई को अलग नहीं किया, लेकिन अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप कोई भी दूध यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसमें यूज करेंगे जी 3 टेबलस्पून दही के, ठीक है। और अगर आपकी स्किन है जी सेंसिटिव तो आप या तो 5 टेबलस्पून पानी यूज कर लो या फिर आप 5 टेबलस्पून रोज वाटर यूज कर लो अगर आपको मिल्क सूट नहीं करता। अब इसको हम अच्छे से मिक्स किए जाएंगे ताकि कोई भी लंप इसमें बाकी ना रहे। और ये देखिए जी, जब तक हम मिक्स कर रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है ये आप पूरे बॉडी पर, पूरे फेस पर यूज कर सकते हैं बगैर किसी साइड इफेक्ट के। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये रेडी हो गया हमारा और अब इसको मैं डाल लेती हूँ एक साफ सुथरे धुले हुए प्लास्टिक कंटेनर में, क्योंकि ये इतना ज्यादा बन जाता है कि आप इसको आराम से फुल बॉडी पर भी यूज कर सकते हैं और उसके बाद भी थोड़ा बहुत बच जाता है तो आप इसको फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने ज्यादा बनाना है तो आप क्वांटिटी को उसी हिसाब से ज्यादा करते जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर प्लास्टिक बॉटल में मैंने डाल दिया और ये देखिए बिल्कुल लम्प फ्री है, बिल्कुल क्रीमी सा इसका टेक्सचर है और ये अब रेडी हो गया आपके फेस पर लगाने को। तो फेस पर आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने जहां पर भी इसे अप्लाई करना है आपने उस जगह को वॉश करना है, ताकि जब आप इसे अप्लाई करें तो स्मूथली आपके फेस पर, आपकी बॉडी पर या आपकी बॉडी पर अप्लाई हो सके। तो यहाँ पर मैंने सादा पानी से अपना मुंह धो लिया है और अब इतनी सी क्वांटिटी लेके मैं अपने फेस पर इसे लगाऊंगी। एकदम से बहुत ज्यादा क्वांटिटी आपने नहीं लेनी, क्योंकि इसमें हमने जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं जैसे कॉर्नफ्लोर हो गया, सोप हो गया, राइस फ्लोर हो गया, ये थोड़े से ड्राइंग होते हैं, तो अगर आप बहुत ज्यादा अपने फेस पर लगा लेंगे तो फिर आपका फेस थोड़ा सा ड्राइंग हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसको उतना ही लगाना है जितने की आपको जरूरत है, थोड़ा थोड़ा लेके आप लगाएं और कोशिश करें कि आप इवनली लगाएं, बहुत ज्यादा मोटा मोटा सा आपने अपनी स्किन पर नहीं लगाना। साथ में देखें मैं अपने हाथों पर भी इसको लगा दूंगी, तो आप जो है हाथों पर भी लगाएं, अपने पैरों पर लगाएं, जहां जहां आपको प्रॉब्लम है, जैसे बहुत से लोगों को डार्क नेक का मसला भी होता है तो आप डार्क नेक पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आपने तकरीबन 5 मिनट तक फेस पे मसाज करना है और उसके बाद आपने तकरीबन 15 मिनट तक अपनी स्किन पर लगा रहने देना है। उसके बाद आप सादा पानी से अपना मुंह धो लेंगे, कोई भी आपने साथ में फेस वॉश या क्लेंजर यूज नहीं करना। और यहां पर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखे मैंने मुंह भी धो लिया है, हाथ वगैरह भी धो लिए हैं और ये रिजल्ट आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी फ्लॉलेस और अच्छी नजर आ रही है, कितनी फ्रेश नजर आ रही है। तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं, आप लोग भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इसको कितनी दफा यूज करना है। तो आप इसे दिन में 2 दफा इस्तेमाल करेंगे, जैसे आमतौर पर होता है ना मुंह धोने के लिए यूज करते हैं, तो वैसे आप दिन में 2 दफा इसे इस्तेमाल करेंगे। सुबह उठ के आप इसी से मुंह धोएं और रात को सोने से पहले आप इसी से मुंह धोएं, उसके बाद आप अपनी स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइजर लगा लेंगे और सो जाएंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चीज ये है कि इसको कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है। इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपकी उम्र 5 साल से ज्यादा होनी चाहिए। फिर सवाल आता है इसको स्टोर कैसे करना है। इसको आप स्टोर कर सकते हैं तकरीबन 1 हफ्ते के लिए, यानी आप इतनी क्वांटिटी बनाएं कि 1 हफ्ते के लिए ही हो, उससे ज्यादा ना हो, क्योंकि सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी बनाएंगे तो फिर ये है कि
चीजें अपनी प्रॉपर्टीज खो देती हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि रिजल्ट कितने टाइम में हमें नजर आएगा, तो देखिए जी क्योंकि सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं तो तकरीबन 1 से 3 महीने आप अपने आप को कोई भी रेमेडी यूज करते हैं जरूर दिया करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, और इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।